आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समाज, अहिंसा मार्ग कबूल नगर शाहदरा दिल्ली। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। परमाधिदेवम त्वामश्वकीय कलमश करोन्मथनाय देवो सुदोदकैरभिनयामिनयार्थ तत्त्वम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिन अभिषिञ्चयामः। तीर्थोत्तम भवरिनीरै क्षीरभारतिरूपकै स्नापयामि सुजन्माप्तान्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ओम ब्रीम श्री विश्वादिवीरांतांजलि निष्णपयामः। ओम ब्रीम श्री श्री विश्वादिवीरांतांजलि निष्णपयामः। ओम ब्रीम श्री विश्वादिवीरांतांजलि निष्णपयामः। ओम ब्रीम श्री विश्वादिवीरांतांजलि निष्णपयामः। ओम ब्रीम श्री विश्वादिवीरांतांजलि निष्णपयामः। जिनने आपसे कर लिया है आगे बढ़ते जाएं, दूसरों को मौका दें, आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें, शीघ्रता करें। शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमांसुखाय त्रिलोके महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोके वै शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणे नृपना मंडल मंडिताय मुनि आर्य कर श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो सर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय
अपवायम अस्माकम् मृत्युम् रतिकामम् अतिकामम् रतिकामम् क्रोधम् अग्निभयम् शत्रुभयम् सर्वसर्गम् सर्वविघ्नम् सर्वभयम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वक्रूररोगम् सर्वनरमारीम् सर्वगजमारीम् सर्वाश्वमारीम् सर्वगोमारीम् सर्वमहिषमारीम् सर्वधान्यमारीम् सर्वरक्षमारीम् सर्वगुल्मारीम् सर्वपत्रमारीम् सर्वपुष्पमारीम् सर्वफलमारीम् सर्वराष्ट्रमारीम् सर्वदेशमारीम् सर्वविश्वमारीम् सर्वेताशाकनीडाकनीभयम् सर्ववेदनीयम् सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम् ॐ ह्रीमस्मभ्यं चक्रविक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांतिम् सज्जनानंदनम् सर्वभव्यानंदनम् सर्वगोकुलानंदनम् सर्वग्रामनगर खेटकरवटमंटम पंतम द्रोणमुख संवानंदनम् सर्वलोकानंदनम् सर्वदेशानंदनम् सर्वयजमानंदनम् सर्वदुखान हन जय जय पज पज कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकं त्रिषु लोकेषु वादि वर्ष वर्जितम् अभ्यं क्षेमारोग्यं षष्टिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोत्रधनधान्यं सदास्तु पदं प्रवचन प्रभु वासुपूज्य श्रीमल्लिवर्धमान पुष्पदं शीतलमुनिसूरत् नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः तन्मंत्रेण नवग्रहाणां शान्तार्थगन्धोदकधारा वर्षणम् सीमं सर्वप्रजानां प्रभुतु बलवान् धार्मिको भूमिपाले काले काले च सम्यग् वस्तु वा माघवा व्याद्यो यान्तु नाशनं दुर्भिक्षं चोरमारी छन्विपि जगतां भाषं भुज्जीवलोके जैनेन्द्रधं चक्रं प्रभुतु सततं शौक्यप्रदायी प्रधस्तगाति कर्मानां केवल ज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्योजिनेश्वरा ओम नमो अनहर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमे श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग प्रत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शामनामर विनाशनाय ओम हराम ह्रीम हुरूम हरोम हरे अशी औषारम नमे सर्व शांतिम कुरु कुरु अश स्वाहा नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्ज्ञानं नमो वज्रायानं नमो लोये सभ्यसाहूनं नमो जिनानं नमो हिजिनानं नमो परमोहिजिनानं नमो सबोहिजिनानं नमो अनंतोहिजिनानं नमो कोटबुद्धिनं नमो बीजबुद्धिनं नमो पादानुसारिणं नमो सभ्यं सोदारणं नमो स्वयं बुद्धानं नमो पत्ये बुद्धानं नमो बोह्ये बुद्धानं नमो उज्मदीनं नमो विवुलमदीनं नमो दशपुवीनं नमो चौदशपुवीनं नमो ठंगमहानिमित्कुशलानं नमो विज्जाहरणानं नमो विट्टिपत्तानं नमो विज्जाहरणं नमो चारणानं नमो पणसन्नानं नमो आकाशगामिनं नमो आशीविशानं नमो दिट्ठिविनर्दिशानं नमो उक्तवानं नमो दित्तवानं नमो तत्तवानं नमो महातवानं नमो घोरतवानं नमो घोरगुणानं नमो घोरपरकमानं नमो घोरगुणविहारिणं नमो आमो सहिपत्तानं नमो खेलो सहिपत्तानं नमो जल्लो सहिपत्तानं नमो विपो सहिपत्तानं नमो सोवो सहिपत्तानं नमो बनबलिनं नमो वचीबलिनं नमो कायबलिनं नमो क्षीरसवीनं नमो सप्पी सवीनम नमो महुर सवीनम नमो अम्ये सवीनम नमो अखिन महानसानम नमो वडमानम नमो सिद्धायदनानम नमो भैवदो मेहदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिनो चेदी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमाद्यनामे आद्य जम्बुदीपी दक्षिणी भागे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते कबूल नगरे श्री वीर निर्वाण समत 2547
भाद्रमासी शुक्ल पक्षी षष्टमी तिथि हो। श्री पार्श्वनाथ जी नालय श्री सन्निधो विधीयमान इदम शांतिधारा शब्दी श्री राज्यपुरे ग्राम नगरे सर्वमुनिया रेखा श्रावक श्राविका चतुर्विश संग थे आज की शांतिधारा करने वाले श्री पंकज जैन याशिका जैन, इनका आज जन्मदिन है, इनको बहुत मुबारक हो। अजीत जैन, सुषमा जैन, नितिन जैन, सिद्धांत जैन, राजीव जैन, प्रमोद जैन, अनिल जैन, मुकेश जैन, मुकेश जैन, लवजी जैन, मनीष जैन, इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इन सबकी जीवन में मंगल शांति बनी रहे। सभी शांति धारा करने वाले, सभी अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले, समस्त जैन समाज सबका जीवन मंगल में हो, सबको शांति प्रदान करे, सबको रतंत्र की प्राप्ति हो, सबकी निरोगी काया रहे, सबके जीवन में धर्म बना रहे, सबको रतंत्र की प्राप्ति हो, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय शांति करो तू मंगलम करो तू इति स्वाहा। जय शांति करो तू मंगलम करो तू इति स्वाहा। जय शांति करो तू मंगलम करो तू इति स्वाहा। संपूज काना सब अर्घ ले लेंगे, शांति धारा का अर्घ चढ़ाएंगे। कंचन का थाल मंगाए, अर्घ बनाए लिया चंदन में। ओम ह्रीम श्रीम अरंत परमेश्वरी ने शांति धारा निमित्ते जल फलादि अर्घम निर्पामिते। एक अर्घ महाराज श्री के लिए। मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्मानां जैनं जतु शासनं जैनं जतु शासनं। जब भी आ जाओ मैं न आद्यं न मध्यं न अंतं न चान्यत् न द्रव्यं न शीत्रं न कालो न भावे न शिष्यो गुरुणोपि न हीनं न दीनं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। बोलिए आदिनाथ भगवान, बोलिए चंद प्रभु भगवान, वाष्पूजनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, मुनिसूरतनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, चौबीसों तीर्थंकरों की, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, आज दश लक्षण धर्म का दूसरा दिन है। आज उत्तम मार्दव का दिन है। मान का मर्दन करना ही मार्दव है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें सब प्रकार के मदों का त्याग करना चाहिए। भाई बात बहुत हो रही है, आप बात कर लो फिर, या भगवान जी को पूछते हुए बोलना नहीं चाहिए। जब तक मान है तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले मान का त्याग करना होगा। सम्यक दर्शन के आठ अंग दोषपूर्ण, उनका त्याग, फिर आठ मदों का त्याग, छह अनायतन, तीन मूढ़ता, इन 25 दोषों का नाश करते हैं तब जाके सम्यक दर्शन की ओर उन्मुख होते हैं। यदि थोड़ा सा भी मान हमारे में बाकी है तो सम्यक दर्शन से बहुत दूर है, और सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए,
और उसके लिए हमें सब प्रकार के मान का त्याग करना चाहिए। रूप मद मैं बहुत सुंदर हूँ, किसी पे क्या एहसान है? अगर सुंदर है तो किसी पे क्या? पूर्व में कोई पुण्य कर्म किया है तो रूप लेके आया है, अब रूप लिया है, सुंदर है तो सुंदर काम भी कर। कोई ऐसा काम मत कर, ऐसी क्रिया मत कर जो असुंदर हो। कुल मद जाति मद, अच्छे कुल अच्छी जाति में पैदा हुआ है तो कोई ऐसा कार्य मत कर जिससे कुल का और जाति का नाम बदनाम हो। इस अहंकार का त्याग कर। बल मद मेरे में बहुत शक्ति है, मैं बहुत बलवान हूँ, पहले इनकी बात पूरी हो जाने दो, प्रवचन तो बार बार होते रहते हैं। अगर किसी की भी आवाज आई तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। बल मद बहुत शक्ति है। अरे भाई बहुत बोलो मत, तुम ये कौन बोल रहा है इधर से? सुनना ही नहीं दे रहा कुछ। मौन रहेंगे सभी, आवाज नहीं आनी चाहिए। बचना मृत का पान करना है, मुंजराज के मुखारविंद से निकले हुए बचन ही हम सबके लिए बहुत कार्यकारी हैं, और अगर हम बाधा उत्पन्न करते हैं तो हमें अंतराय कर्म का आश्रय होता है। सावधान रखें, किसी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। जी महाराज जी, नमोस्तु। बल मद, अगर तुम्हारे में बल है उसका क्या मत करते हो? अगर उसका सदुपयोग करना है तब त्याग तपस्या उपवास में लगाओ, धर्म को प्राप्त करने में, मुक्ति को प्राप्त करने में, मोक्ष मार्ग चलने में उस शक्ति को लगाओ। बल मत का मतलब ये मैं सबसे लड़ सकता हूँ, मेरे में बहुत शक्ति है, ये है। धन मत, धन है तो उसका क्या मत करना? आज है और कल नहीं है, धन है तो उसको धर्म कार्यों में लगाओ। कौन साथ लेके गया धन, उसका क्या मत करते हो? एक सेठ था, बहुत बढ़िया महल बनवाया, बहुत दिन उसमें रहा, फिर मन ये हुआ इसे बेच दिया जाए, इसे बेच दिया जाए। खैर बहुत अच्छे दाम में वो सौदा तय हो गया, बहुत खुश हुआ। मकान में आग लग गई, बेटे से बोला बहुत अच्छा किया तूने बेच दिया, इसे बेच दिया बहुत अच्छा किया, नहीं तो देखो सब खत्म हो जाता। एक घंटे बाद बेटा आया, वो सौदा कैंसिल हो गया, तो रोने लगा। तो क्या मत करना? आज है कल नहीं है। ज्ञान मत भी बड़ा भयंकर है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, तुझे ये तो पता नहीं है तेरी कमर पर क्या चल रहा है, तो कौन सा ज्ञान है तेरे पास? तो ज्ञान का भी मद धर्म का बड़ा भारी मद होता है। मैं बहुत धर्म करता हूँ, किसी पे कोई एहसान है क्या? जो धर्म करता है वो अपने लिए करता है, अपनी आत्मा का कल्याण करता है, तो मद से तो दूर रहना चाहिए। मद यदि है तो वो धर्म हो नहीं सकता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो नहीं सकता। मैंने बहुत बड़ी बोली ली है, समाज में मेरा सम्मान हुआ, बहुत सम्मान हुआ, सब मुझे जानने लगे, जो उससे तुझे पुण्य प्राप्त हुआ था उस सम्मान से तेरी कमी आ गई। दान तो गुप्त दान ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन ये क्रियाएं भी जरूरी हैं।
दान करे, सम्मान हो, लेकिन उसका मान ना करे, मैं सबसे बड़ा हूं। चौबीस घंटे धर्म करते हैं और एक क्षण उसमें ऐसा आ गया जो मान से युक्त हो गया, वो धर्म में हानि हो गई। आप उपवास करते हैं 10 दिन में, कितने दर्शन धर्म आते हैं वर्ष में? 3 आते हैं, तीनों में कोई भेद नहीं है। कौन कहता है भेद है? जो कहता है भेद है वो हाथ उठा लो। फिर तीनों दर्शन धर्म हमें उसी प्रकार से करने चाहिए। आप एक आसन करते हैं, मैंने एक आसन किया, चौथे काल में सभी प्राणी एक आसन ही करते थे, एक बार ही भोजन करते थे। चतुर्थ काल में सब एक बार ही भोजन करते थे। ये पंचम काल आया तो इसमें चैन ही नहीं है, 24 घंटे में कोई चैन ही नहीं है। कम से कम इन 10 दिन में आप चौथे काल में पहुंच गए जो एक बार भोजन कर रहे हैं, और इसमें भी चैन ना आया तो फिर क्या आया? हाय हाय करके एक आसन किया या उपवास किया तो उससे कोई लाभ? ये अंदर से ही होना चाहिए। बाहर उपवास है, उपवास का मतलब क्या होता है? उप माने आत्मा, आत्मा में वास करना, और आत्मा में वास नहीं है, आत्मा का ध्यान नहीं है, तो फिर उपवास से उससे कोई लाभ नहीं। उपवास में बिल्कुल शांत जीवन, श्रृंगार से रहित सादा जीवन, उच्च विचार, ये होना चाहिए। धर्म ध्यान में लीन होना चाहिए। अभी पंडित जी 3 लोक विधान करा रहे हैं, बताओ अधोलोक से लेकर मध्य लोक और फिर ऊर्ध्वलोक सिद्धशिला तक जितने भी अकृत्रिम चैताले हैं उन सब की वंदना करा रहे हैं। हिम्मत देखो उनकी, हाँ बहुत शक्तिशाली है पंडित जी, सबको तुम्हें वहां ले जाके वंदना करा रहे हैं। ये बड़े उपकार का काम है, नहीं कभी जाना ही नहीं। अधोलोक में कितने मंदिर हैं, मध्य में कितने हैं, ऊर्ध्वलोक में कितने हैं, बताओ अधोलोक में कितने जिन कृत्रिम अकृत्रिम चैताले हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, एकदम नहीं बोलेगा कोई। देखो दो, और पंडित जी विधान करा रहे और तुम्हें पता भी नहीं अधोलोक में कितने हैं। हाँ बताओ तुम, हाँ 7 करोड़ बेहतर लायक। मध्यलोक में कितने हैं? 458, वेरी गुड। और ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? हाँ 184,97,23 लोक बखानो। एक एक जिनाले में 108 प्रतिमाएं हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, 3 बार नमस्कार करता हूँ, तीनों कालों में नमस्कार करता हूँ। कर्म की बहुत निर्जरा होती है। जब धर्म करें तो कहीं हमारा दिल दिमाग मन कहीं भी इधर उधर ना भटके, हम उसी में लीन रहें। बच्चा कौन सफल होता है जो पढ़ता है? क्या कहते हैं माँ बाप उसे? ध्यान से पढ़। क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़। और जो धर्म करता है तो उसे क्या कहते हैं? तू भी ध्यान से कर, तू भी ध्यान से कर। क्यों कहते हैं? कि ताकि तू सफल हो जाए। और जो धर्म कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, तू भी ध्यान से कर ताकि तू भी अपने धर्म में सफल हो जाए। धर्म के बिना जीवन अधूरा, और वो संसार में भटकता ही रहता है। अनंत काल हो गए आज तक भटक रहे हैं, कम से कम एक बार तो ऐसा हो जाए कि हमें भटकना ना पड़े। कहाँ कहाँ गए? 9 ग्रह तक गए। कितनी बार गए? अनंत बार गए।
और फिर यही है। किस लिए है यहाँ? कभी सम्यक दर्शन लेकर नहीं गए। सम्यक दर्शन लेकर जाते तो भटकना ना पड़ता। नहीं बात समझ में आई? तो सब अपने जीवन में मान का नाश करें, रतन त्रय को प्राप्त करें और अपने जीवन को धर्म में बनाए। बस यही सबके लिए मंगलकारी। सबका जीवन मंगल में हो, शांति में हो, रतन त्रय की सबको प्राप्ति हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। तुमसे लागे लगन पढ़ लो। पंडित जी पढ़ो। वो चले गए। तो मैं तो जी संकट संकट हमारा जे तुम्हें शीश नवाऊं, तुम्हें शीश नवाऊं। अरे सुनो गौरव, मेरी का जगह महाराज जी के दर्शन तो करा दो। तीन जगह जाना है कहीं जगह। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकरों की जय। चलिए पंडित जी अपना काम शुरू करिए। एक स्वार्थ मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज की जय। ये भजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जब भी बैठते थे, चर्चा होती थी, प्रवचन होता था, तो कहते थे भजन जरूर पढ़ो। ये भजन पढ़वाते थे, मेरी भावना पढ़वाते थे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आज आचार्य विद्यानंद जी महाराज की याद आ गई। चलें हम आरती करेंगे। पढ़ो आरती। परिपुष्पाञ्जलिं चपेत् उदक चन्दन तण्डुल पुष्प कै चारु सुदीप सुधूप फलार कै धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे कल्याण मय मय जे आ
ज्ञान निर्वाण पंच कलाने भ्योर्गम निरपामिते उदके चंदन तंदुले पोष्प कै चरु सुजी प्रसुधोप फलाह कै तवले मंगले गाने रवा कुले जिने ग्रे जिने नाथ महामेय रे सिद्धाचार्य उपाध्याय सर साधु भ्योर्गम निरपामिते उदके चंदन तंदुले पोष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलाह कै तवले मंगले गाने रवा करले जिने ग्रे जिन अष्टाधिक सहस्र नाम में व्यवहार निरपामिते अब शुद्ध ज्ञान का अर्थ बोल गए पंडित जी शुद्ध ज्ञान का उदक चंदन तंदुले पोष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवले मंगले गाने रवा कुले जिने ग्रह जिन शोत महामेय जे शुद्ध ज्ञानेभ्यो तत्ता शुद्ध स्वाध्याय द्वादशांगवाणी अर्घ्यं निरपामिते रामचरित गुण धाम की ये रामायण है सत्य कथा श्री राम श्री जिन वाणी है आत्मकथा तत्व ज्ञान की ये सत्य अहिंसा और धर्म की शान की श्री जिन वाणी है आत्मकथा तत्व ज्ञान की ये सत्य अहिंसा और धर्म की शान की मिथ्या तमने डाला डेरा छाया चारों ओर अंधेरा ये करे पराजित राम क्रोध अभिमान की ये सत्य अहिंसा और धर्म की शान की श्री जिन वाणी है आत्मकथा तत्व ज्ञान की ये सत्य अहिंसा और धर्म की शान की हिंसा पाप के घटनाक्रम ने ऐसा चक्र चलाया त्राही त्राही मची जगत में त्राही त्राही मची जगत में घोर अंधेरा छाया वाणी खीरी फिर वीर प्रभु की वाणी खीरी फिर वीर प्रभु की अज्ञान तिमिर के हान की ये सत्य अहिंसा और धर्म की शान की श्री जिन वाणी है आत्मकथा तत्व ज्ञान की ये सत्य अहिंसा और धर्म की शान की श्री जिन वाणी है कथा आत्मश्रद्धान की ये सत्य अहिंसा और धर्म की शान की बजाओ भाई ताली बजाओ धर ले रे पूजन ध्यान गान गुरु करके भव सागर जी तर ले रे ओम ऋषि देवसा गुरु बे श्री विद्वान विशति तीर्थं के बे श्री नंदन सिद्ध परमेश्वर नमे जय माला पूर्णार्घ निरपामिते स्वाहा सृजन के प्रसाद ते सुखी रहे सब जीव आते तन मन वचन ते सेवो भव सागर नित्यम त्रिलोकी गतान वंदे भावन व्यंतरान दुद्वरान स्वर्ग अमरा बास गान सदगंधाक्षत पुष्प धाम चरुकई सद्दीप धूपई फलई नीरा जैसे जय प्रणम सरसा दुष्कर्मणा संते ओम ह्रीम महाराज जी ओम ह्रीम
राज्यों में कृत्रिम कृत्रिम चतालोभजन दिल्ली ओम ह्रीम कृत्या कृत्रिम जनालयस जन्मेम वेप्यो नमर्घम निर्वपामि ते स्वाहा द्रव्य आठो जो लीना है अर्घ करु में नवीना है पूजते पाप छीना है भानुमल जोर कीना है दीपड़ाई सरस राजे देश दस पा विशेष आजे पूजता पाप सब भाजे पांच पांच जीत जिन राजे ओम ह्रीम पांच भरत पांच चारावत ओम ह्रीम पांच भरत पांच चारावत दस क्षेत्र के उसे तीस चौबीस के सात चौबीस जिनती तंग रे बेव नमा अर्घ्यम निर्पामते स्वाहा पूज्य श्री ने आज ओम ह्रीम बोली बहुत अच्छा लग रहा है पूज्य श्री ने ओम ह्रीम बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है अब दो पंक्ति बताता हूँ सिर्फ आपको आप मंदिर में क्यों आते हैं हाँ सुनाए भवसागर में दुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों शरण में आके सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों वाह क्या बात है सच कहता हूँ मेरे भगवन नहीं स्नेह से आया हूँ विपदाओं ने मुझको घेरा व्यथा सुनाने आया हूँ सच कहता हूँ मेरे भगवन भवसागर में दुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों शरण में आके सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों सच कहता हूँ मेरे भगवन सच कहता हूँ मेरे भगवन नहीं स्नेह से आया हूँ विपदाओं ने मुझको घेरा व्यथा सुनाने आया हूँ चलो पंडित जी आगे चलो हाँ महाराज जी एक तो छेड़ दिया महाराज जी आपने भगवान के शरण में ये इतने लोग क्यों आए हैं पूज्य श्री ने सूत्र रूप में बताया मैंने कल आपको बताया था व्याख्या तो गणधर करेगा ना व्याख्या तो गणधर करेगा ठीक है ना तो भक्त क्यों आया भगवान के पास कि भव भव के बंधन इसे बंधन है तो बहुत शोर करता है नहीं नहीं शोर तो करेगा ही करेगा बंद कर दो भव भव के बंधन काटो प्रभु मैं शरण तिहारे आया हूँ भव भव के बंधन काटो प्रभु मैं शरण तिहारे आया हूँ भव भव के बंधन काटो प्रभु मैं शरण तिहारी आया हूँ और गतियों के दुख से दुखी हुआ और कर्मों से घबराया हूँ और भगवान ये तो ठीक है बात मूल कारण मैं सुनाता हूं मैं क्यों आया हूं बड़े ध्यान से सुनने की बात है ये काम क्रोध मद लोभ लुटेरे लुझ लूट रहे चो तरफा है घर में दुकान में मंदिर में भी नहीं छोड़ा क्रोध आ जाता है मान आ जाता है मद आ जाता है ये काम क्रोध मद लोभ लुटेरे लूट रहे चो तरफा है भगवान ये लूट ले लूट जाऊं कोई फिक्र नहीं लूट जाए न मेरा रत्न त्रय मैं इसे बचाने आया हूँ लूट जाए न मेरा रत्न त्रय मैं इसे बचाने आया चक्रेशम हे गुण देशम जयाम तेजम अक्रेशम ओ
ओम रिम से शांति नाथ जिनेन्द्राय नखपत प्राप्ति अर्घन प्राप्ति स्वाहा। जल फली आदि साज सुचली ने आठों तरफ मिलाए, अष्टम सिद्ध के राज करण को जजो अंग बसुनाए। दाता मोक्ष के श्री ने मिनाथ जिनेन्द्राय दाता मोक्ष के। ओम रिम से नेमिनाथ जिनेन्द्राय नखपत प्राप्ति अर्घन प्राप्ति स्वाहा। बर स्वर्ग प्राणत को बिहाय सुमात बामस तो भय। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंडित जी, पंडित जी उस पेंदु वाली आओ कर लो। अच्छा पार्श्वनाथ वो भी पार्श्वनाथ है। अच्छा पार्श्वनाथ कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे कैसे हैं? अरे सुनो 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 सुनो, वो भी कुछ नहीं जानती। सुनो प्रभु जी तुम्हें पुकारे कई नामों से नार, कहीं सांवलिया पारसनाथ कहीं चिंतामणि पारसनाथ, कहीं सांवलिया पारसनाथ कहीं चिंतामणि पारसनाथ। कोई कहे कचनेर के बाबा, कोई कहे कचनेर के बाबा, कोई मक्सी के पारसनाथ, कहीं चंगा पारसनाथ कहीं चिंतामणि पारसनाथ, कहीं सांवलिया पारसनाथ। वर स्वर्ग प्राणत को बिहाय सुमात बाम सुतु भय, असुसैन के पारस जनेश्वर चरण जिनके सुर नय। नव हाथ उन्नत तन विराज उराग लक्षण पद लसे, थापू तुम्हें जिन आय तिष्ठो करम मेरे सब नसे। और अकेले दो तीन नाम नहीं है, कलकुंड पारसनाथ, नागफड़ी पारसनाथ, आही क्षेत्र पारसनाथ, कितने नाम ग्राम, कबूल नगर के पारसनाथ, तिखाल वाले बाबा भी हैं, कई हैं। और महुआ के जहां जहां हैं वहां झगड़े जरूर हैं, है अंतिम वहां भी झगड़े कैसे नहीं है, सारे लोग छोड़ छोड़ के सूर्य नगर जा रहे हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्रेऽवतर अवतर संवासितः वननम्। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत सन्निधि करणम्। पंडित जी आपकी एज कितनी हो गई, आपकी एज कितनी? माने अंबु सारे लाइए हैम पास धार के सो आपको चढ़ाइए, पार्श्वनाथ देव से आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जम जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामते स्वाहा। आज मुझे अपने नजर उतरवानी पड़ेगी, ये परवीन की नजर लग जाएगी मुझे, राइनोन क्या क्या होता है वो करना पड़ेगा। चंदन आदि केस राधि स्वच्छ गंध लीजिए, आप चरण चरच मोह ताप को हनीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपके करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय भवता विनाशनाय चंदनम नृपामते स्वाहा। फेन चंद के समान अक्षदान लाए के, चरण के समीप सार पुंज को रचाय के, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति स्थान पामते के, बड़ा गुलाब और केत की चुनाए के, तार चरण के समीप काम को नसाय के, पार्श्वनाथ देव सेव आपके करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय कंबण विध्वंसनाय पुष्पन पामते स्वाहा। पंडित जी रोहित जी कुछ बोले ने आया हूँ, अपने पारस बाबा को मनाने आया हूँ, केवरादी मावरादी मिष्ट
सद में सने पाप जन जचते सुदाति रोग को हने। काशनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, अपने पारस बाबा को मनाने आया हूँ, संबंधल घर की धूल से लगाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सुधारोपनाशनाय नैवेद्यम नृपामते स्वाहा। लाए रत्न दीप को सने पूरे के भरो बात का कपूर बारी को गांत को हरू। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। आशाओं का दीप सजा के लाया हूँ, आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, अपने पारस बाबा को मनाने आया हूँ, समीप शिखर के धूल से लगाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम नृपामते स्वाहा। धूप गंध ले के सो अग्नि संग जारिये, तासु धूप के सुसंग अष्ट कर्म बारिये। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, अपने भारत बाबा को मनाने आया हूँ, अमित शिखर के धूल से लगाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामते स्वाहा। कारि कादि चिन्बटादि रत्न थाल में भरू, हर्षधारी के जजू सुमोक्ष सोख को वरू। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, अपने पारस बाबा को मनाने आया हूँ, कबूल नगर की धूल सर लगाने आया। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फल नृपामते स्वाहा। इसमें कोई शक नहीं, जो हमारे परवीर भाई ने कहा यहाँ की धूल सर लगाने आया हूँ कबूल नगर की, इसमें कोई शक नहीं। कई जगह मंदिर होंगे, कई जगह भगवान विराजमान होंगे, कई जगह समाज रहती होगी, लेकिन समाज का इतना पुण्य और इतना श्रद्धा, इतनी धर्म कर्म नहीं होता कि मंदिर की उन्नति हो सके, जहाँ के तहाँ है जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहे। और यहाँ देखो आप कहाँ थे और हम कहाँ पहुँच गए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ परस्पर में वात्सल्य भाव बहुत अच्छा है, कहीं किसी प्रकार का तनाव नहीं है उसमें। अगर हमें आपकी बात स्वीकार नहीं होती है तो हम चुप रह जाते हैं और हाँ करो भाई, विरोध नहीं करता कोई भी। कितनी अच्छी बात यहाँ देखी हमने, तो इतनी तरक्की हो रही है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। और चले नीर गंदे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री पलादि अर्घ तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, अपने पारस बाबा को मनाने आया हूँ, कबूल नगर की धूल सर लगाने आया हूँ, कबूल नगर की धूल सर लगाने आया हूँ, अपने पारस बाबा को मनाने आया हूँ। ये परवीन आराम में जोड़ने के लिए कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं आजकल, उनके गोत्र तो वही है हमारे ही। हाँ तो इस तो वही सब जो है चल रहा है प्रयास, तो हमें आ जाना चाहिए अपने घर। कुछ लाभ मिला? सही है, अच्छा किया।
चल देखो भैया, एक बात कही है तीन काल में और तीन लोक में यदि कोई शाश्वत धर्म हो सकता है तो वो जैन धर्म है, ये कहा इनने। एक बात और, ये तो अभी अपने सामने कह रहे हैं, विदेश में जो अच्छे चिंतक हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मोमनस जो भी हैं, उनने कहा है कि यदि कोरोना से बचना है तो जैन जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। जैन जीवन शैली ध्यान रखना। हमारे यहां अम्मा लोग, अरे छूना नहीं छूना नहीं, लोग मजाक उड़ाते थे उनका, अरे क्या छू छू करते हो, और आज समझ में आ गया कि वो छू छू क्या होता है, वो छूना क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, चले अपन पूजन के लिए। और भाई साहब, जैन धर्म किसी की बपौती नहीं है, किसी के बाप का धर्म नहीं है। धर्म वो जो धारण करे उसका धर्म है, जो पालन करे उसका धर्म है। ये शाश्वत धर्म क्यों है? अलग से कोई ऐसा नहीं कि भगवान महावीर स्वामी का धर्म हो गया वो जैन धर्म हो गया, गलत। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जैसे उनने कह दिया बत्थु सहा वो धर्म, वो वस्तु का स्वभाव धर्म है, पानी का स्वभाव ठंडा और आग का स्वभाव गर्म, वो जैन धर्म हो गया। अब बताओ वो कब तक रहेगा, ऐसा कब तक रहेगा? तीनों काल तीनों लोक में ये चीज रहेगी, तो सिद्धांत जैन धर्म का है तो वो जैन धर्म है। अच्छी इस बात तरह से कभी वो शाश्वत धर्म है, क्योंकि वो धर्म वस्तु का स्वभाव शाश्वत रहेगा तो जैन धर्म वही शाश्वत है। ये है बात। कलिपोष एकादशी आई तब पार है अपने कर लौच सुकीना, हम पूजे चरण जजीना। ओम ह्रीम पौष कृष्ण एकादश्याम तपः कल्याण प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रार्घ्यम निर्वपामि जय स्वाहा। कलि चेत चतुर्थी आई प्रभु केवल ज्ञान उपाय, तब प्रभु उपदेश जो कीना, भव जीवन को सुख दीना। ओम ह्रीम चैत कृष्ण चतुर्थ्याम केवल ज्ञान मंडिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। सिद्ध साते सावन आई शिवनार बरी जिन राई, समेदा चल हरि माना, हम पूजे मोक्ष कल्याणा। ओम ब्रह्म श्रावण शुक्ला सप्तम्या मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्य निपामति स्वाहा। पार्श्वनाथ जिनेन्द्र तने बच पौन भकी जरते सुन पाए, करो सरधान लहो पदयान, भय पद्मापति शेष कहाए। नाम प्रताप टरे संताप सु, भव्यन को शिव शर्म दिखाए। हे अश्वसेन के नंद भले गुण, कावत हैं तुम रे हर शाही। एक कंठ समान छवि बपू तंग नभ हाथ, लक्षण उरग निहार पग बंदो पारसनाथ। कची नगरी छे मास अगार, बने चहुंगो पात। सुकोट तनी रचना शविदे, कुंगरन पे लहके बहुके। बनारस की रचना यू अपार करी, बहु भांति धनेश तैयार। तहाकस चेन नरेंद्र उदार, करे सुकवाम तुदे पटना। तजो तुम प्राणत नाम विमान, भये तिनके पर नंदन तबे सुरेंद्र नयोग नियाय, गरिंद करे विधि नौन तुजाय। पिता घर सौंप गए निज धाम, कुबेर कर जाम सुकाऊं। बड़े जिन दोज मयंक समान, रमे बहु बालक निर्जर आन। भये जब अषम वर्ष कुमार, धरे अनुवृत महासुखकार। पिता जब आन करी अरदास, करो तुम भयो वरो मम आस। करी तब नाही रहे जग चंद, किए तुम काम कसाय जो मन। चढ़े गज राज कुमारन संग, सुबे कत गंग तनी सुतरंग। लख्यो एक रंग करे तप घोर, चहो दिस अग्नि बले अति जोर। कहे जिन नाथ अरे सुन भ्रात, करे बहु जीवन की मत रात। हयो तब कोप कहे कित जीव, जले तब नांग दिखाई सजीव। लख्यो यह कारण भावन भाई, नए देव ब्रह्म ऋषि सुर आए। तब सुर चार प्रकार नियो,
धरि शिव का निज कंद मनोग कियो वन माहि निवास जिनंद धरे व्रत चारित आनंद कंद कहे तहां अष्टम के उपवास गए धन दत्त तने जो आवास दियो पैदान महासुख कार भई पन वस्ति तहां तिहि बार गए तब कानन माहि दयाल धर्यो तुम योग सवहिं अघटाल तबे वे धूम सुकेतु अयान भयो कमटा चर कोसर आन करे नव गौन लखे तुम धीर कजूर अब बैर विचार गहेर कियो उपसर्ग भयानक गोर चली बहुती क्षण पवन जको कहो तस हो तिस में तम छाय लगी बहु अग्नि लखी नहीं जाए सुरंडन के बिन मूड दिखाए पड़े जल मुसलदार अदाय तवे पद्मावति कंद धनेन्द नए जुग आए जहाँ जिन चंदो भग्यो तब रंक सुखे दत हाल लयो तब केवल ज्ञान विशाल यो उपदेश महाहितकार सुभव्यन बोध समेत पधार स्वर्ण पद जहाँ कोट पसेद वरी शिव नारी लही वसुरेद जो तुम चरण दो कर जोर प्रभु लखिए अब ही मम और कहे बता वर रतन बनाए दिनेश हमें भव पार लगाए पारस देवम सुरकृत सेवम पंडित चरण सुना गुपति करुणा के धारी पर उपकारी शिव सुखकारी कर्म हति ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नख पद प्राप्ति जय माला पूर्ण अर्घ निर्पामते स्वाहा जो पूजे मन लाए भव पारस प्रभु नित ही ताके दुख सब जाए भीत व्यापे नहीं कित ही सुख संपत्ति अधिकाय बाहुबली ओम ह्रीम भरत बाहुबली जिनेन्द्राय नमार्घम निर्पामते स्वाहा सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये हर से इंद्रिय अपार मेरु पहले गए पूजा करने जे धन लखो पहुचाव सो हम हो सोड़स कारण भावे भाव सो दर्शन विश्वद्यादि सोस कारण अन्यत्र ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः अर्घम प्रणमति स्वाहा दस लक्षण बंधो सदा मन वांछित फलदाय कहो आरती भारती हम पर हो सहाय उत्तम क्षमा जहाँ मन होए अंतर बाहर शत्रु न कोई उत्तम माधव विने प्रकाशे नाना वेद ज्ञान सब भाषे उत्तम आर्जव कपट मिटावे तोरे गति त्याग सुगति उपजावे उत्तम सोच लोभ परिहारे तम सत्य वचन मुख बोली सो प्राणी संले दाता ओ तम तप निर्वांचित पाल तो नर कर्म शत्रु को टाले ओ तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सुर शिव सुख होई आकिंचन व्रत धारे परम समाधि दशा विस्तारे उत्तम ब्रह्मचारे मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे करे कर्म की निर जरा पबु पी जरा बिना अजर अमर पद को लहे जानत सुख की रात ओ मृमतम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य दस लक्षण धर्माय जय माला अर्घम निर्वपामि इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपामा आठ दरबु निर्धार ओ तम सो ओ तमो लिए जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्न तय भजूं ओम ह्रीं सम्यक रत्न
रत्नत्रयार्घम नृपामते स्वाहा। जल चंदन अक्षत फूल चरोचत दीप धूप फल अति लावे, पूजा को ठानत सो तुम जानत, तो नर जानत सुख पावे। तीर्थंकर के धुन गण धरने सुनि अंग रचे धुन ज्ञान भई, तो जिन वरवानी शिव सुख दानी तिर भरवानी पूंज भई। ओम रीम जन्म खोद भाव सरस्वती वादवाग्निभ्यो नमः अर्घ्यं प्रपद्ये स्वाहा। अच्छा तो क्या करना चाहिए? अवतर संवासितहवाननम आम्रेम दुक्कुमार देव भवन स्थित षट सप्तति लक्षणालय जिनबिंब समूह अत्र तिष्ठति स्थापनम आम्रेम दुक्कुमार देव भवन स्थित षट सप्तति लक्षणालय जिनबिंब समूह अत्र मम सन्हेतो भव भव सन्निधिकरणं। अर्घ्यम निर्वपामि चे स्वाहा। इंद्र अमित वाहन यहाँ 36 लाख प्रमाण, जिन मंदिर पत्र जजू मिले सर्व कल्याण। ओम ब्रीम अधोलोके रत्न प्रभा पृथ्वीभ्यः खरभागे अमित के वाहन इंद्रस्य 36 लक्ष जनालय जन बिंबेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि चे स्वाहा। दिक् कुमार के जिन भवन 76 लाख, पूजो जिन भक्ति मगन नमो नमो नित माम। ओम अधोलोके रत्न प्रभा पृथ्वीभ्यः खरभागे दिक् कुमार देव भवन स्थित 60 सप्तति लक्ष जनालय जिन बिंबेभ्य पुनर्गम निर्वपामि स्वाहा। कोटि 82 लाख जिन वर बिंब महान, पूजते आत्म पीयूष रस मिले पंच कल्याण। ओम रे मधोलोके रत्न प्रभा पृथ्वीभ्यः खरभागे दिक् कुमार देव भवन स्थित 60 सप्तति लक्ष जनालय विराजमान 82 कोटि 8 लक्ष जिन बिंबेभ्य पुनर्गम निर्वपामि स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। दिक् कुमार का चैत्य तरु, हाँ जी, दिक् कुमार का चैत्य तरु वृक्ष श्री शिल संकेत निधि के हे पूज हूँ कुसुम मंजलि विकं। ओम इति मंडलस्य परि दिक् कुमार देव स्थाने पुष्पांजलि क्षिपाम। सुर दिक् कुमारन मुकुट में शुभ सिंह चिन्ह विराजता, दस धनुष ऊंचा देह श्यामल कांति से दिश व्याप्तता। इनके शीर्ष सुचत्य तरु में पूर्व दिश जिन बिंब है, उन पूजते नवनिधिरे दी सिद्धिया निज हस्त है। वो मरेम दिक् कुमार देव भवन स्थित श्री चैत्य वृक्ष मूल भाग पूर्व दिक् विराजमान पंच जन प्रथमाभ्यर्घम निर्वपामते स्वाहा। सुर दिक् कुमारों के भवन शाश्वत स्वर्णिम चमकते, अगणित विभव देवांगना सुर परिकरों से दमकते। इनके शरीर सुचत्य तरु दक्षिण दिशी जिन बिंब है, उन पूजते नवनिधिरे दी सिद्धिया निज हस्त है। कुमार देव भवन स्थित श्री चैत्य वृक्ष मूल भाग दक्षिण दिशा विराजमान पंचजन प्रथमा अभ्यर्घम निर्वपामिते स्वाहा। इन भव इन भवन वासरे जग पंद है, मुनि वंद भी वंदन करे, सूर्य खग मनुष्य पूजा करे, हम पूजते अति भक्ति से संसार सागर से तिरे। ओम भ्रीम दिक् कुमार देव भवन स्थित श्री चैत्य वृक्ष चतुर्दिक विंश चतुर्दिक विंश मान चतुर्दिश विराजमान होना चाहिए, विंशति मान लिखा है विराजमान मान विंशति, हाँ विंशति मान स्तंभेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। तरु चैत्य में प्र सर्व अगत्रिम जिन भवन अतिशय विभव धरंत, नमो नमो सिर नायके निज गुण मणि विलसंत। जय 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 जिन मंदिर अनुपम रत्न सुवर्ण विनिर्मित, जय जय दे तीन कोट हैं इनमें चौ चौ गोपुर संयुत, चार चार गलियां अति लंबी शोभे जिन मंदिर में, एक एक मान संब नो नो स्तोक प्रेक गली में, पर कोटे के अंतराल में वन भूमि ध्वज भूमि, अशोक सप्त छत चंपक अरु आम्र वमो की भूमि,
इन चारों वन मध्य में एक चित्त वक्ष अति ऊंचे प्रति दिश जिन प्रतिमा से मंडित छत्र चवर युत दीपे नंदा नंदोतरा आदि बावड़िया जल से पूर्णा फूले कमल कुमुद फूलों से महके कल कल पूर्णा हंस बतक बहु पक्षी गणों के कलरव ध्वनि से सुंदर बावड़ियों में क्रीड़ा करते रमते सुरगण मन भर सिंह व गज अरु वृषभ गरुड़ शशि सूर मुर अरुवंसा कमल चक्र इन दश चिन्हों युत ध्वज पर है रे निशंका ध्वज भूमि में रतन ध्वजाए पवन जकोरे हिलती महाध्वजा प्रत्येक चिन्ह की एक सौ अठ अठ दिखती एक एक महाध्वजाश्रित एक सौ आठ आठ लघु ध्वज हैं सर्व ध्वजाए बहु लहराए गगन स्पर्श दिखत हैं त्रित कोट मध्य चैत्य भूमि है जिन प्रतिमा से सुंदर प्रति जिन ग्रह में जिन प्रतिमा है एक सौ आठ आठ वर देव चंद के भीतर जिन प्रतिमा के उभय तरफ में श्री देवी श्रुत देवी की है मूर्ति रतन घटित में यक्ष देव सर्वण्य कुमार रु रतन कुमार ने मूर्ति मंगल द्रव्य आठ सब एक सौ आठ आठ की पूर्ति जिन ग्रह में मंडन मंडप अभिषेक व नर्तन मंडप संगीत रुआलुक सुक्रीला स्वाध्याय दिक मंडप मंगल कलश धूप घट घंटा स्वर्ण रजत मालाए नाना विध शोभायुत ग्रह में सोम छवि प्रतिमाए जय जिन प्रतिमा जिन भवान जय तुद्योमान स्थान कोटि कोटि वंदन करो ज्ञान मति सुख का ओम ह्रीम दिक कुमार देव भवन हाँ देवियों की मूर्तियों की बात कर रहे हैं आंटी जी जो देवियों की मूर्तियां आ रही हैं लिखी बार बार इसमें देवकी और यक्ष की मूर्तियां लिखी भी आ रही है ना हर जयमाला में तो उसके लिए पूछ रही है माता आंटी जी ये पूछ रही हो ना यही पूछ रही हो ना मूर्तियां क्यों होती है वहां ये पूछ रहे हैं कि श्री देवी धृत देवी और यक्ष के जो मूर्तियां लिखी हैं ये साक्षात होती हैं या साक्षात होना चाहिए उनको तो मूर्तियां क्यों हैं आंटी जी पूछ रही अग्नि कुमार देव भवन स्थित सठ सप्तति लक्ष जनालय जिन बिंब समूह अत्र अवतर अवतर समवाननम ओम रीम अग्नि कुमार देव भवन स्थित सठ सप्तति लक्ष जनालय जिन बिंब समूह अत्र तिष्ठते स्थापनम ओम रीम अग्नि कुमार देव भवन स्थित सठ सप्तति लक्ष जनालय जिन बिंब समूह अत्र मम सन्हित भव भव सर सन्धि करण जल से प्यास बुझी नहीं अब तक अता करण तुम आया साम्य सुधार नृपमते स्वाहा तीर्थंकर निर्वाण अनंतर अग्नि कुमार इंद्रिय पे मुकुट अग्र से अग्नि प्रकट कर प्रभु तन संस्कार करते इन देवों के सर्व जिनाले लाख छिहत्तर सुखकारी पूजो अर्घ चढ़ा कर इनको ये सब को मंगलकारी अभी अब बस एक और आखिरी बात बता दें 343 घनराजू कैसे बनता है छयानबे प्रमित रत्न में भासते इन सब में शाश्वत जिन मंदिर पूज हो इनमें जिन प्रतिमाएं जिन सम हो बहु मरीम वाहा इसमें जिन प्रतिमाएं जिन सम हु बहु मरीम भाई कुमार देव भवन स्थित सन्नवति लक्ष जनालय जिन बिंबे समूह अत्र अवतर अवतर समवाननम आमरी वायु कुमार देव भवन स्थित सन्नवति लक्ष जनालय जिन बिंब समूह अत्र तिष्ठति स्थापनम
हमरे वायु कुमार देव भवन स्थित सन नवति लक्षणालय जिनबिंब समय अत्र मम सनहेतो भव भव सर सनधे करनाहु पयो राशि कहानी रे सदस सुंदर दिपे दिन रात पहरे उस समय मंद पवन चलावते उनको जजों नित भाव से बेचे कुमुद बिकाए ओम रे मदलोके रत्न प्रभा पृथ्विया खर भागे बेलंब इंद्रस्य पंचा सलक्ष जिनाले जिनबिंबे बेओ अर्घम निर्वपामिति अधिपति प्रभंजन के जिनाले लाख चालीस जानिए सब रीत के युद्ध गण धरों से बंद इनको मानिए मैं हाथ जोड़ नमाऊ मस्तक कोटिक वंदन करूं सब इष्ट योग अनिष्ट के संयोग दुखों को ओम रे मधोलोके रत्न प्रभा पृथ्विया खर भागे प्रभंजन इंद्रस्य षट चत्वारिंच त्रिंच लक्ष जिनाले जिनबिंबेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा जिन राज पंच कल्याण में सौ धर्म इंद्र देश हैं वायु कुमार सुरेंद्र सुरवित मनंद वायु चलावते इन भवन क्षण में लाख में जिन धाम अतिशय भासते हम पूज से निज अर्घ्य के कार में पंख सुखावते ओम रे मधोलोके रत्न प्रभा पृथ्विया खर भागे वायु कुमार देव भवन स्थित शंडवती लक्ष जिनाले भ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा में दो दो इंद्र कहें दो दो ही उनमें प्रतींद सब मिलिए चालीस इंद्र भये नर नाना विद तप तप करके इन इंद्र विभव को पाते हैं उपपाद सुसाचा से जन में नव यौवन तनु पा जाते हैं अंतर मुहूर्त के भीतर ही अवधि विभंग पा लेते हैं पूर्ण उदय सुर विभव देख मंगल सुबह धर लेते हैं फिर जिन मंदिर में जा कर के कुल देव मान पूजा करते कोई कोई जाति स्मृति से दक्षिण सम्यक निधि लभते कोई सुर देव रीति लख कर कोई जिन महिमा को लख के कोई धर्मोपदेश सुनकर सम्यक रतन धारण करते ये सम्यक दृष्टि अतिशाही जिन भक्ति वंदना करते है विद्या दृष्टि कुल देव मान जिन नाते अर्चना करते ये पुण्य संपदा संचित कर चित हो मानव तन पाते है फिर मुनि हो घोर तपस्या कर शिव रमा कांत हो जाते ना सागर दृष्टि जिन प्रतिमाएं प्रदमासन सहित विराजे है जो इनके दर्शन कर लेते वे आत्म ज्योति प्रकाशे धन धन जिन वर प्रतिमा स्वयं भी अचेतन होती है तो चेतन भक्ति करे इनकी को मन बांझत देती है मैं नित्य प्रतिबंधन मक्ति करूं पूजन अर्चन सत्संग करूं निज ज्ञान मति लक्ष्मी पाकर निमी सुख आनंद धन धन ये शुभ घड़ी जिन पूजन किया धन संपत्ति संकति बड़े मिले मोक्ष सम्राट ओम ह्रीम वायु कुमार देव भवन स्थित षट समन्वते लक्ष्य जिनाल जिन बिंबिभ्य जयमाला पूर्णार्घम निपामते स्वाहा शांत शांति धारा दिव्य पुष्प जन ग्रह में इनके पूजा नित करो आह्वान संतापन करके निज के सन्निध में नित करो ओम ब्रह्म से मधुलोक संबंधी पंच मेरु आदित्य चतुशत अष्ट पंचाशत जिनाले जिन समूह अत्र अवतर अवतर समोस इति आह्वानम ओम ह्रीम मधुलोक संबंधी पंचमे वार्दी चतुशत अष्ट पंचाशत जिनाले जिन बिंब समूह अत्र तिष्ठा स्थापनम ओम ह्रीम मधुलोक संबंधी पंचमे वार्दी चतुशत अष्ट पंचाशत जिनाले सब जिन बिंब समूह अत्र मम सन्नतो भव भव सन्निधिकरणम परिभ्य
जलम ने पामते स्वाहा नाना विध व्याधि रोग शोक तन में मन में संताप कर चंदन से तुम पद चर चूमे पूजा भव भव ताप हरे ये चार शगत अठावन है जिन मंदिर शाश्वत स्वर्णमयी इनकी पूजा से जग जाती निज आत्म ज्योति सौख्यमयी ओम्र मध्य लोक संबंधी चतुशत अष्ट पंच शत जिनाल्य जिन बिंबे भ्यो जिन चंदनम निर्वपामिति स्वाहा जग में इंद्रिय सुख खंड मेरु सुदर्शन के पृथ्वी पर भद्र साल बन दम महान पूर्व दिशा में चिन मंदिर त्रिभुवन तिलक अतुल सुखदान जल पले आदि अर्घ सजा निर्वपामिति स्वाहा प्रथम सुरा चल पद साल में दक्षिण दिश जिन मंदिर जान सुर नर किन्नर यक्ष यक्षिणी विद्याधर गण पूजे यान जल पले आदि अर्घ सजा कर पूजो जिन पति मांगुन खान रोक शोक भय संकट हर साल बने स्थित दक्षिण दिख जनालय जिन बिंबे अभ्यर्घम ने पामते स्वाहा प्रथम देव गिरी भद्र साल में पश्चिम दिश जिन भवन अनूप रत्न तैनिज के इच्छुक जन पूजन करते रहे सुख वो जल फल आदि के अर्घ सजा कर पूजू जिन पति मांगुन खान रोक शोक भय संकट जिन बिंबे अभ्यर्घम ने पामते स्वाहा प्रथम मेरु के भद्र साल में उत्तर दिश जिन राज निकेत भव भय दुख हरण हेतु भव निज पद पूजे भक्ति समय जल फल आदि के अर्घ सजा कर पूजू जिन पति मांगुन खान रोक शोक भय संकट हर कर पाऊं अविचल शोक के निदान ओम ह्रीं शासन भय संबंधी भद्र साल बने स्थित उत्तर दिख जिनालय जिन बिंबे प्यार गमन पामते स्वाहा मेरु सुदर्शन बिसे सुभग नंदन बन जानो सुर नर गण से तब साल मली शुभ रतनु मैं सुंदर देखे साखा घनी दोनों तरु की साख पर दो सिर जिन भर गए आह्वानन कर में जजू सदा हृदय धरने ओम रेम जंबो साल मली वृक्ष स्थित वृक्ष संबंधी जनालय जिन बिंब समोत्र अवतर अवतर संवोषित आह्वानम ओम ह्रीं जम्बु सालमलि वृक्ष संबंधी जनालय जिनबिंब समुयत्र तिष्ठति स्थापनम ओम ह्रीं जम्बु सालमलि वृक्ष संबंधी जनालय जिनबिंब समूह अत्र मम सन्हितो भव भव सिर सन्निधि सुर गंगा को नीर सुर अभिप्रासुके किया जिन पद धारा दे सकल मल छह किया जम्बो साल मलि वृक्ष तने जिन धाम को जो पूजे धर प्रीत लहे शिव धाम को ओम ब्रे जम्बो साल मलि वृक्ष से जनालय सर्वजन बिंबे ब्याज जलम निपामते स्वाहा मलिया गिर घन सार सुकुम कुम गंधले चेतन के प्रतिबिंब चरण को चर्च सन वे संबंधी साल मलि वृक्षस दक्षिण शाखा याम जनालय जिन बिंबे ब्याज गण पामते स्वाहा जम्बू साल मलि वृक्ष पर दो जिन मंदिर सिद्ध पूर्ण अर्घ में ले जजू पाऊं सौख्य समृद्ध ओम रेम सन वे संबंधी जम्बू साल मलि वृक्ष से तो सिद्ध कूट जनालय जिन बिंबे व्यापूर्ण अर्घम ने पामते स्वाहा 216 जानी है जिन प्रतिमा अविराम निज प्रति अर्घ चढ़ाए के सत सत करूं प्रणाम ओम ब्रह्म जम्बो साल मलि वृक्ष जनालय मध्य विराजमान 216 जिन प्रतिमा अभ्या जिन बिंबे व्यापूर्ण अर्घम ने पामते स्वाहा शांत शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामः ओम निमरम त्रैलोक्यश्वर जिन बिंबे भी नमः ओम निमरम त्रैलोक्यश्वर जिनाल जिन बिंबे भी नमः ओम निमरम त्रैलोक्यश्वर जिनाल जिन बिंबे भी नमः ओम निमरम त्रैलोक्यश्वर जिनाल जिन बिंबे भी नमः तरु की शाखा माहि रत्नमयी जिन बिंबे है तिनकी यह जयमाल भक्ति भाव से मैं पढूं जम्बू तरु का स्वर्ण में स्थल 500 योजन है इस स्थल का पर कोटा कांचन मई मनोमोहन है पीठ 8 योजन का ऊंचा मस्त माई चांदी का इस पर जम्बू वृक्ष कृत्रिम प्रीतिमयी रत्नों का यह दरु तोंगे 8 योजन पचमयी जड़ जानो मणिमय तना हर तुम डाई एक कोष पर मानो तरु की 4 दिशाओं में 4 महाशाखाएं 6 योजन की
लंबी इतनी अंतर से लहराए। मरकत मरक मरकत करके तन मूंगा कांचन के पत्ते ओतो पांच वर्ण रत्नों के अंकुर फल और पुष्प अनुपम। इसमें फल जामुन सदस्य हैं कोमल चिकने दिखते रतनमयी हैं फिर भी अद्भुत पवन लगते ही हिलते। उत्तर शाखा परजन मंदिर दुर्ग्रह त्रय शाखा पे सम्यक्ति आदर व अनादर व्यंतर रहते उन पे। तर को चारों तरफ घेर कर भारे पद्म वेदियां उनके अंतराल में तरु की परिकर वृक्ष पंक्तियां। 1,40,119 कहाए इन जम्बू परिवार वृक्ष पर सुर परिवार रहाए। पेरों की ईशान दिशा में नीला चल के दाए माल्यवंत के पश्चिम में सीता के पूर्व कहाए। तप स्थल के चारों तरफे त्रैवन खंड कहाते फल फूलों युत सुर महलों युत जल बापी युत भाते। फल फूलों युत सुर महलों युत जल बापी युत भाते। इस ध्रुव के जिन ग्रह में 108 जिनेश्वर प्रतिमा इसी तरह शालमली वृक्ष की जानो सारी रचना। शालमली तरु के अधिपति प्यंतर वेणु वेणु धारी है ईश्वर सम्यक्ति जनमत के प्रेमी गुणधारी है। जितने जम्बू शालमली तरु हैं उतने जिन मंदिर हैं क्योंकि सभी पर सुर रहते हैं सब में जिन मंदिर हैं। दो चैत्यालय मुख्य अगर तम स्वतंत्र दो तरु के उनकी अरु सब जिन प्रतिमा को करूं वंदना रुचके। सुर किन्नरियां नित गुण गाती वीणा की लहरों से दर्शन करके नर्तन कीर्तन करती भक्ति स्वरों से। जय जय जिन प्रतिमा अद्भुत महिमा पढ़े सुने जो जय माला ज्ञान मति श्री सिद्ध बधु प्रिय सो नर पावे खुशहाल। ओम ह्रीं जम्बू दीप संबंधी जम्बू शालमलि वृक्ष स्थित सिद्धकूट जनालय जिन बिंबेभ्या जय माला पूर्णरघ्यम निर्वपामी चे स्वाहा। गजदंत बक्षार विजयात पर्वत स्थित षष्ठी जनालय जिन बिंब समूह त्रयावतरे अवतर श्रमवासी तैवाननम ओम ह्रीं जम्बूदीप संबंधी कुलाचल गजदंत बक्षार विजयात पर्वत स्थित षष्ठी जनालय जिन बिंब समूह तिष्ठाढ़ स्थापनम ओम ह्रीं जम्बूदीप संबंधी कुलाचल गजदंत बक्षार विजयात पर्वत स्थित षष्ठी लक्ष जनालय जिन बिंब समूह अत्र मम सन्हितो भव भव सत्सन्निधि करणम। नीर शीतल सुगंध लिया नाथ के पद में तीन धारा किया शाश्वत जैन मंदिर जजूमाव से जन्म वार्ती तिरो भक्त की नाव से। कांधे ऊपर लाल कफन का माना होगा आज नहीं कल जाना होगा पर घट ठोर ठिकाना। ओम ह्रीं जम्बू देव संबंधी कुलाचल गजदंत बक्षार विजयात पर्वत स्थित षष्ठी जनालय जिन बिंबे प्या जलम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बू देव संबंधी कुलाचल गजदंत बक्षार विजयात पर्वत स्थित षष्ठी जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा। शांति धारा में करूं जिन वर पद अरविंद त्रिभुवन में भी शांति हो मिले निजात में आनंद। शांति शांति धारा सुरभित हर सिंगार ले पुष्पांजलि करंत सुख संत संपत्ति बड़े निज तिथि मिले अनंत। दिव्य पुष्पांजलि छिपा महा जम्बू दीप में 60 पर्वत पर जिनके है नमो नमा कर मात पुष्पांजलि कर। कुबेर महाराज इति मंडल से उपरी कुबेर जी महाराज पधार करके इति मंडल से उपरी पुष्पांजलि छिपा महा कुबेर का बजाय भाई।
रघुपत कनक तुति मैं द्वय तरप बहु भरण का परकोट ग्यारह में कहा शेष कोट जिनेन्द्र का उस पर जिनेश्वर धाम पूजा करूं अति चाव से संसार कार्य पार सागर तीरु भक्ति राव से संबंधी हेमंत पर्वत स्थित सिद्धगुरु जनालय जिन पर्वत महा हिमबान चांदी भरण का सुंदर जगह इस ऊपर ये आठ कोट पूरब सिद्धपुर परम जग उस पर जिनेश्वर धाम है पूजा करूं अति चाव से संसार कार्य पार सागर तिरु भक्ति भाव से ये सठ कुलाचल हैं। कुलाचल कहाँ हैं? जम्बूद्वीप में हैं। इनसे छह कुलाचलों से सात क्षेत्र बनते हैं। इनके पर्वतों के रंग कैसे हैं? तो अर्थ सूत्र पढ़ने वाले सूत्र बोलेंगे इन कुलाचलों का रंग कैसा है, बोलो सूत्र। हे मार्जुन तपनीय है कोई सूत्र? हेम माने सोना, अर्जुन माने चांदी, तपनीय माने तपा हुआ सोना, इस प्रकार से हैं। तो पहले मैं अपन ने पढ़ा था हिमबन पर्वत सोने के रंग का है कनक दुति, और दूसरे में अपन ने पढ़ा है चांदी वर्ण का सुंदर दिखे। ओम म्रीम जम्बूद्वीप संबंधी महा हिमबन पर्वत से त्रिकुट जनालय स्थित जनालय जिन बिंबे प्यार गम पावते पर्वत निषद है तप्त स्वर्ण वर्ण बहुत है पार्श है हृदय वेदिका परकूट नव में सेत कूट विख्यात है उस पर जिनेश्वर धाम है पूजा करूं अति चाव से संसार कार अपार सागर तीरु भक्ति भाव से ओम जम्मू द्वीप संबंधी निषद पर्वत स्थित सिद्ध गुण जनाल जिन बिंबेभ्य अर्घम पहमते स्वाहा वर नील गिर बेजोर्य वर्णे द्वय तरफ पच रंग मानव कूट में सेत कूट जजे सदा रवि चंद्रमा उस पर जिनेश्वर धाम है पूजा करूं अति चाव से संसार का अपार सागर तिरु भक्ति नाव से ओम जम्मू द्वीप संबंधी नील पर्वत स्थित सिद्धपुर जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा रुक्मी अचल रूपा मई बरकोट आठ सोवते पूरब दिशा में सिद्धकूट सुरेंद्र का मन मोहते उस पर जिनेश्वर धाम है पूजा करूं अति चाव से संसार कार्य पार सागर तिरु भक्ति भाव से ओम जम्बूद्वीप संबंधी रुक्मी पर्वत स्थित सिद्धपुर जनालय जिन बिंबे प्यार गम पामते स्वाहा सिखरी अचल सोने सदृश शुभ कूट क्या रहने ते हैं पूरब दिशा में सिद्ध कूट सुपूजते सब भव हैं उस पर जिनेश्वर धाम है पूजा करूं अति चाव से संसार कार्य पार सागर तीरु भक्ति नाव से ओम जम्बूद्वीप संबंधी सिखरी पर्वत स्थित सिद्ध कूट जनालय जिन बिंबे प्यार अर्घ्यम निर्भवामि थे स्वाहा मालवंत गज दंत है मेरु के ईशान वर्ण रुचिर बैठोरे मणि नवकूटो यो तुमान मेरे निकट जिन राज ग्रह सिद्ध कूट पर सिद्धि मन वचन से पूज कर पाऊ नव निधि रिद्धि ओम रिम सदसन मेरु सदसन पर्वत ईशान दिक मालवंत गज दंत पर्वत सिद्ध कूट जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा मेरु के आग्ने जिस महा सोमनस नाम रजत मही गज दंत है सात के उठियो तुजान मेरु निकट जिन राज ग्रह सिद्ध कूट पर सिद्धि मन वचन से पूज कर पाऊ नव निधि रिद्धि ओम प्रेम पम सुमेरु पर्वत आग्ने दिक महा सोमनस गज दंत पर्वत स्थित सिद्ध कूट जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा मेरु के नहीं रहते तुसे विद्युत प्रभु गज दंत वर्ण तपाए स्वर्ण सम नवकोट ही सो मेरु निकट जिन राज ग्रह सिद्ध कूट पर रिद्धि मन वचन से पूज कर पाऊ नव निधि रिद्धि ओम रिम ससन मेरु नैरित विदिक विद्युत प्रवेश दन प्रभात सिद्ध गुरु जनालय जिन बिंबे प्यार गन बामते स्वाहा गंध मादना चल कहा मेरु के बायब साध गुण युत स्वर्ण सम पूज स्वर नर भव मेरु निकट जिन राज ग्रह सिद्ध कूट पर सिद्धि मन वचन से पूज कर पाऊ नव निधि रिद्धि ओम रिम सुमेरु पर्वत बायब देखो गंध मादन गजदन पर्वत स्थित सिद्ध गुरु जनालय
जिन बिंबे प्यार गमने पाम ते स्वाहा। और सीता नदी के उत्तर चार कूट हैं, देव देवियां करें विहार। नदी तरिव के सिद्ध कूट पर श्री जिन मंदिर बना विशाल, जल फल आदि अर्घ्य बना कर पूजन करूं मिटे जग जाल। जम्बुदेव संबंधी पूर्व देश स्थित सीता नदी उत्तर तटे नलिन कूट बक्षार पर्वत से सिद्ध गुरु जनालय, जिन बिंबे प्यार गण पामते स्वाहा। पद्म कोट बक्षार अजल पर विद्याधर गण करे विहार, पर्वत मेहमान्य रख निरख कर तृप्त हुए मन हर्ष अपार। नदी तरफ से सिद्ध कूट पर श्री जिन मंदिर बना विशाल, चल बल आदि अर्घ्य बना कर पूजन करो मिटे जग जाल। अमृत जम्बुदेव संबंधी पूर्व देह सीता नदी उत्तर तटे पद्मकूट बक्षार पर्वत से सिद्ध गुण जनालय, जिन बिंबे प्यार गण पामते स्वाहा। एक सहल बक्षार मनोहर स्वरूपन ताए करें विनोद, चारण मुनिगण पहरण करते समर समय मन भरे प्रमोद। नदी तरफ से किस कूट पर श्री जिन मंदिर बना विशाल, जल बल आदि अर्घ्य बना कर पूजन करूं मिटे जग जाल। ओम रेम जम्बो देव संबंधी पूर्व देहस्त सीता नदी उत्तर तटे एक सहल बक्षार पर्वत स्थित सिद्ध गुण जनालय, जिन बिंबे प्यार गण पामते स्वाहा। सीता नदी के दक्षिण तट पर देवारण्य भेद का पास, अचल त्रिकूट चार कूटो युत जन ग्रह युत बक्षार सनात। नदी तरफ से सिद्ध कूट पर श्री जिन मंदिर बना विशाल, जल फल आदि अर्घ्य बना कर पूजन करूं मिटे जग जाल। ओम ब्रह्म जम्बुदेव संबंधी सीता नदी दक्षिण तटे त्रिकूट बक्षार पर्वत से सिद्ध गुण जनालय, जिन बिंबे प्यार गण पामते स्वाहा। क्रम से फिर बैसवन कूट है देव देवियों से भरपूर, पापी पन उद्यान मनोहर मुनिगण करें पाप को दूर। नदी तरफ से सिद्ध कूट पर श्री जिन मंदिर बना विशाल, जल बल आदि अर्घ्य बना कर पूजन करो मिटे जग जाल। ओम जम्बुदेव संबंधी पूर्व देह सीता नदी दक्षिण तटे श्रवण पर्वत बक्षार पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय, जिन बिंबे प्यार गण पामते स्वाहा। अंजन गिरि बक्षार मनोहर स्वर्ण स्वर्णमय अति सुखकार, सुर विद्याधर गगन गमन चर ऋषिगण को भी है सुखकार। नदी तरफ से सिद्धकूट पर श्री जिन मंदिर बना विशाल, जल फल आदि अर्घ्य बना कर पूजन करो मिटे जग जाल। नदी उत्तर तटे दक्षिण तटे अंजनगिरी बक्षार पर्वत स्थित सिद्ध गुरु जनालय, जिन बिंबे प्यार गण पामते स्वाहा। आत्मा जन बक्षार आठ महायोगे जन करते नित ध्यान, निज आत्म परमानंदामृत अनुभव कर हो रहे महान। नदी तरफ से सिद्ध कूट पर श्री जिन मंदिर बना विशाल, जल फल आदि अर्घ्य बना कर पूजन करो मिटे जग जाल। जम्बुदेव संबंधी पूर्व देहस्थ सीता नदी दक्षिण तटे अंजनात्मा बक्षार पर्वत स्थित सिद्ध गुण जनालय, जिन बिंबे प्यार गण पामते स्वाहा। पश्चिम विदेह सीतो दाके दक्षिण में भद्र साल बेदे, उस सन्निध सिद्धावान कहा बक्षार कनक मय पर्वत ही। जनी तरफ से सिद्ध कूट पर श्री जिन मंदिर बना विशाल, जल फल आदि अर्घ्य बना कर पूजन करो मिटे जग जाल। नहीं भैया बदल गया, नदी के नदी के सनिध है सिद्ध कूट, उसमें शाश्वत चैताल, जल गंदा दिक से पूजू मैं मेरे हित सौख्य सुधाले। जम्बुदेव संबंधी पश्चिम विदेहस्था सीतोदा नदी दक्षिण तटे श्रद्धा वान बक्षार पर्वत स्थित सिद्धपुर जनालय, जिन बिंबे प्यार गण पामते स्वाहा। सीतोदा के दक्षिण तट के नहीं नहीं आशीष दो गए ना, दूसरा अच्छा सॉरी। सीतोदा के दक्षिण तट पर बजटा वान कहता है, बक्षार सदा चौकूटो युत सुर नर सबके मन भाता है। नदी के सनिध है सिद्ध कूट, उसमें शाश्वत चैताल है, जल गांधा दिखते पूजू मैं मेरे हित सौख्य सुधाले है। ओम ह्रीम से जम्बुदीप संबंधी पश्चिम विदेश सीतोदा नदी दक्षिण तटे विजिटावान बक्षार पर्वत स्थित सिद्ध गुण जनालय, जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा। आसीब से है बक्षार कहा इस पर रत्नों की बेदी, पर कोटे बापी उपवन से जिन ग्रह से कर्मन भेदी है। नदी के सनित है सिद्ध कूट, उसमें शाश्वत चैताले है, जल गंगा दिक से पूजू मैं मेरे हित सौख्य सुधाले है। ओम जम्बुदेव संबंधी पश्चिम विदेह सीतोदा नदी दक्षिण तटे
आशी विश्व बक्षार पर्वत स्थित सिद्ध गुण जनालय जिन में बेप्यार घन पमते स्वाहा। बक्षार सुखा वे अति सुंदर सुर ललना की क्रीड़ा भूमि, अति गण के बैरण से पाव सबको आनंद करे भूमि। के सनिध है सिद्ध कूट उसमें शाश्वत चैताल्य है, जल गंधा दिख से पूजो मैं मेरे हित सौख्य सुधाल। ओम ह्रीम जम्बुदीप संबंधी पश्चिम विधेयस्ता शीतोदा नदी दक्षिण तटे सुखाव है बक्षार पर्वत स्थित सिद्ध गुण जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा। सीतोदा के उत्तर तट पर सूतारण्य बनी भेदे, उस दंड चंद्रमाल पर्वत जन मन का मोहित मेरे भेदे। के सनीत है सिद्ध कूट उसमें शाश्वत चैताल है, जल गंदा दिख से पूजू मैं मेरे हित सौख्य सुधाल है। ओम ह्रीम जम्बुदेव संबंधी पश्चिम विधेयस्ता सीतोदा नदी उत्तर तटे चंद्रमाल बक्षार पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा। बक्षार मनोहर सूर्य माल सोने के भवन सुहाते, सुर ललनाओं की बीना के तारों से जिन गुण गाते। नदी के सनीत है सिद्धकूट उसमें शाश्वत चैताल है, जल गंदा दिख से पूजू मैं मेरे सौख्य सुधाल। ह्रीम जम्बुदीप संबंधी पश्चिम विधेयस्त सीतोदा नदी उत्तर तटे सूर्यमाल बक्षार पर्वत स्थित सिद्ध गुण जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा। वर नाग माल बक्षार अचल अनुपम कांति छिटकाता है, जिन पर के दर्शन करते ही सबके अग पुंजन साता है। नदी के सनिध है सिद्ध कूट उसमें शाश्वत चैताल है, जल गंदा दिख से पूजू मैं मेरे हित सौख्य गुणाले। संबंधी पश्चिम विधेयस्ता सीतोदा नदी उत्तर तटे नागमाल बक्षार पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा। बक्षार सोलभा देव माल रत्नों की कांति लजाता है, जिन देव देव के ग्रह में नित देवों का नृत्य कराता है। नदी के सनिध है सिद्धकूट उसमें शाश्वत चैताल है, जल गंदा दिख से पूजू मैं मेरे हित सौख्य सुधाल है। ह्रीम जम्बुदीप संबंधी पश्चिम विधेयस्ता सीतोदा नदी उत्तर तटे देवमाल बक्षार पर्वत से सिद्ध गुण जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते स्वाहा। सीता नदी के उत्तर तट में भद्रशाल पन पासे, कक्षा देश विदेह बीच में विजयारथ गिर भासे। नवकोटों में सिद्धकूट पर जिनवर भवन महाना, ऋषिगण वंदन करने जाते मैं पूजू ये दाना। ओम ह्रीम पूर्व देह सीता नदी उत्तर तटे कक्षा देश मध्य राज विजयाद पर्वत स्थित सिद्ध गुण जनालय जिन बिंबे प्यार घम निर्पापते स्वाहा। मेरु के पश्चिम उस तट पर देश सुकच्छा सोहे, तामद रजता चले अति सुंदर सुर किन्नर मन मोहे। नवकोटों में सिद्धकूट पर जिनवर भवन महाना, ऋषिगण वंदन करने जाते मैं पूजू ये ताना। ओम ह्रीम ओम ह्रीम पूर्व देश संबंधी सीता नदी और तट रेसु कक्षा देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिन बिंबे प्यार घम निर्पामते देश महा कक्षा कहलाता रूपा चलता मध्य, विद्याधर ललना किन्नरिया जिन गुण गाती तथे। नवकूटों में सिद्धकूट पर जिनवर भवन महाना, ऋषिगण वंदन करने जाते मैं पूजू ये थाना। ओम ह्रीम पूर्व देश संबंधी सीता नदी उत्तर तटे महाकक्षा देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिन बिंबे प्यार घन पामते। देश कहा आवरता सुंदर रूपा चलता सुवीचे, कछकावती तारक खोदा नदियों से छह खंड होते नीके। नवकूटों में सिद्धकूट पर जिनवर भवन महाना, ऋषिगण वंदन करने जाते मैं पूजू ये ताना। पूर्व देश संबंधी सीता नदी उत्तर तटे रह गया ना पंडित जी, एक रह गया, तीसवां रह गया, तीसवां बोल दो पहले आप। देश कक्ष का पति, देश कक्ष का पति सुमध्य रूपा चल सुलकारी, सुर ललना के बीना सुर से जन जन वा मन हरी। नवकूटों में सिद्धकूट पर जिनवर भवन महाना, ऋषिगण वंदन करने जाते मैं पूजू ये थाना। ओम ह्रीम
पूर्व देश संबंधी सीता नदी उत्तर तटे महाकक्षा देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सदगुरु जनालय जनबिंबे ब्यारघम ने पावते स्वाहा देश कहा आवरता सुंदर रूप चलत सुबीचे लगता रत्तोता नदियों के छयखंड होते नीके नवकूटों में सिद्ध कूट पर जिनवर भवन महाना ऋषि गण वंदन करने जाते मैं पूजू ये थाना ओम रेम पूर्व देश संबंधी सीता नदी उत्तर तटे आवर्ता देश मध्य स्थित विजयाद पर्वत सिद्ध कूट जनालय जिन बिंबे प्यार घम निर्भवामी जय स्वाहा देश कहा लांगल आवर्ता ता मद रूपा चले तीनों कटनी पर बन बेदी पापी जल निर्मल है नवकूटों में सिद्ध कूट पर जिनवर भवन महाना ऋषिगण चंदन करने जाते मैं पूजू ये थाना पूर्व देश संबंधी सीता नदी उत्तर तटे लांगलावर्ता देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिनबिंबे प्यार घम निर्भवामी जय स्वाहा सुंदर देश पुष्कला के मदि रूपा चल मन भावे उबे तरप पचपन पचपन खगन गिरी मन लल चावे नवकूटों में सीधे कूट पर जिनवर भवन महाना ऋषिगण वंदन करने जाते मैं पूजू ये थाना पूर्व देश संबंधी सीता नदी उत्तर तटे पुष्कला देश मध्य सिद्ध विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिनबिंबे प्यार घम निर्भवामी जय स्वाहा देश पुष्कला पति सुहाता उसमें रजत गिरी है विद्याधर की कर्म भूमि मुक्ति मार्ग पुरी है नवकुटों में सिद्ध कूट पर जिनवर भवन महाना ऋषिगण वंदन करने जाते मैं पूजू ये थाना पूर्व देश संबंधी सीता नदी उत्तर तटे पुष्कला वती देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिनबिंबे प्यार घम निर्भवामी जय स्वाहा पूर्व बेदे है बेसे सीता के दक्षिण तट में माना देवारण बेदी का सन पसा देश बखाना मध्य गजत गिरी सिद्ध कूट पर जिंदिर मंदिर अभिरामा जिनवर चरण कमल हम पूजे मिले सर्व मुख दामा अम्रिम पूर्व देश संबंधी सीता नदी दक्षिण तटे बत्सा देश स्थित रजताचल सिद्धकूट जनालय जिनबिंबे प्यार घम निर्भवामी अरे सीता नदी के दक्षिण तट पर देश सो बत्सा सो है तीर्थंकर चक्री प्रति चक्री हल दरवानित होवे मध्य रजत गिर सिद्ध कोट पर जिन मंदिर अभिरामा जिनवर चरण जिनवर चरण कमल हम पूजे मिले स्वर्ग सुख धामा ओम रे पूर्व देश संबंधी सीता नदी दक्षिण तटे सुभसा देश सिद्ध विजयाद पर्वत सिद्धकूट जनालय जिन बिंबे प्यार घन प्रामते सहा कम से देश महाबत्सा में रजता चल है जानो गंगा सिंधु नदियों से भी छयखन होते मानो मध्य रजत गिर सिद्ध कूट पर जिन मंदिर अभिरामा सिनवर चरण कमल हम पूजे मिले सर्व सुख धामा ओम रीम पूर्व देह संबंधी सीता नदी दक्षिण तटे महाबत्सा देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिन बिंबे प्यार घम निर्भवामी स्वाहा देश बस का पति वहाँ नित कर्म भूमि मन भावे पाप जीव गण कर्म हरि हन मुक्ति रमा सुख पावे मध्य रजत गिर सिद्धकूट पर जिन मंदिर अभिरामा जिन वर चरण कमल हम पूजे मिले सर्व सुख धामा ओम रेम पूर्व देश संबंधी सीता नदी दक्षिण तटे बत्सकावती देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिनबिंबे प्यार घम निर्भवामी स्वाहा रम्या देश आर्य कंड में असीमसियाद क्रियाएं सत्य वैसे शुद्ध त्रवर्णी होते सदा जाए मध्य रजत गिर सिद्ध कूट पर जिन मंदिर अभिरामा जिन वर चरण कमल हम पूजे मिले सर्व सुख धामा पूर्व देश संबंधी सीता नदी दक्षिण तटे
रम्या देश मध्य विजयाज पर्वत सिद्ध गुरु जनालय जिन बिंबे भ्यार्घन पाम ते सुरम्या सुप देह में देह नाश कर प्राणी हो जाते हैं बेप देह इस हेतु सार्थक नामी मध्य रजत गिर सिद्ध कोट पर जिन मंदिर अभिरामा जिन वर चरण कमल हम पूजे मिले सर्व सुख धामा पूर्व देश संबंधी सीता नदी दक्षिण तटे सुरम्या देश मध्य विजयाज पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय जिनबिंबे प्यार गमन पावते रमणीय शुभ देश वहाँ पर तीर्थंकर नित होते सीतोदा नदी दक्षिण तटे सुपद्मा देश मध्यस्थाचल स्थित सिद्धकूट जनालय जिनबिंबे प्यार गमन पावते देश महापद्मा छह खंडों युद्ध सही असमस आदि छह क्रिया वहन से कही मध्य रजत गिरि उस पर श्री जिन गे जिन गुण संपत्ति तुझ जोड़ने पश्चिम देश संबंधी सीतोदा नदी दक्षिण तटे महापद्मा देश मद्रस्ताचल स्थित सिद्धकूट जनालय जिनबिंबे भ्यार्घव पामते देश पद्म का पति मनोहर जानिए जिन चैत्यालय ठोर ठोर पर मानिए मध्य रजत गिरि उस पर श्री जिन गे जिन गुण संपत्ति तुझ जोड़ने ओम रे पश्चिम देश संबंधी सीता नदी दक्षिण तटे पद्मकावती देश मध्य रजताचल स्थित सिद्धकूट जनालय जिन बिंबे प्यार गमन पामते शंका देश बिसें जन धर्म गुण के फिर आदे आदे ये शुभ गति आता ये क्षेत्र बराबर उनमे है इन मत सुरों में कमल खेले उन पर श्री हृदय कीर्ति बोध लक्ष्मी देवी है निज पहले गंगा सिंधु आदि चौदह नदियां इन सरोवर से निकली बात दंत में रुके निकट 500 योजन ऊंचे माने निस्ता चल नहीं निकट 400 योजन ऊंचे जाने हैं पंचत योजन वृषित ये 30 दोषो नव लंबे है विदिशा में मेरु से नग तक गज गज से लंबे है 4500 योजन वृषित नग नग तक लंबे है नग टिकट 84 नग निकट 400 योजन के नज निकट 500 तुंग रहे ये 16 सहस 512 योजन चित बराबर है इनके जिन ग्रह को बंधु में ये मुक्ति श्री लल्ला करे सब रस्ता चल 25 योजन ऊंचे 50 ही विस्तृत है ये क्षेत्र बराबर लंबे त्रय कटनी युद्ध खग नगरी युद्ध है नग पर कूटो में देव भवन वर सिद्ध कूट पर जिन ग्रह है चारण रीति मुनि कर वीर वंदन करते सुति में रज है जिन मंदिर बंधन से सब पाप समूह बिनस जाते सब इष्ट वियोग अनिष्ट योग टलते रोग आदि बिनस जाते वयंतर डाकिनी शाकिनी बाधा संपूर्ण उपद्रव टलते है दिया की पूर्ण रवि उगता धन धान्य श्वेत सुख मिलते है नाथ आपकी भक्ति से मुझ खट में ज्ञान प्रभात मिले मुरझाया समकित कमल खिले रत्न निधिया शीघ्र मिले मोहांधकार राति बिन से मुझको समरस पीयो समझ तब ज्ञान मते प्रकटित होकर जग में चमके सुप्रास मिले ओम ह्रीम जम्बुदीप संबंधी कुला चलादि षष्ठी जनालय मध्य स्थित जिन बिंबेभ्य जलम जय मालार्घम निर्वभामि ते स्वाहा आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।